أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बनाते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल, मोहब्बत करते हैं उनसे ऐसी मोहब्बत जैसी अल्लाह से होनी चाहिए, हालांकि वो लोग जो ईमान वाले हैं सबसे बढ़कर महबूब रखते हैं अल्लाह को। काश सूझ जाए उन जालिमों को आज ही वो कुछ जो सूझने वाला है उन्हें उस वक्त, जब देखेंगे अजाब कि बेशक कुव्वत अल्लाह ही के पास है सारी की सारी, और ये कि बेशक अल्लाह बहुत सख्त है अजाब देने में। जब बेजारी का इजहार करेंगे वो जिनकी पैरवी की गई थी उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, और देख रहे होंगे अजाब को और गुंगते हो चुके होंगे उनके तमाम ज़राए और वसाइल, और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की थी काश के होता हमारे लिए एक मौका फिर दुनिया में जाने का, तो बेजारी का इजहार करते हम भी उनसे उसी तरह जैसे बेजारी जाहिर की उन्होंने हमसे। इस तरह अना दिखाएगा अल्लाह उनके अमाल को हसरत और पेशमानी उनके लिए, और हरगिज़ नहीं निकल सकेंगे वो दोज़ख से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।